दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके आए हुए हैं मिर्ज़ा अजीज कोका के मकबरे पे दोस्त। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर मिर्ज़ा अजीज कोका थे कौन। तो ये अकबर बादशाह के भाई थे। और आप लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा मकबरा है, वो पूरा मकबरा सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है और इसमें कहीं कहीं ब्राउन पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इनमें जो खंभे लगे हुए हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर टोटल 64 खंभे लगे हुए हैं, इसलिए इसे 64 खंभा भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मुगल बादशाह रहे हैं, वो हमारे भारत को अगर जो दे के गए हैं, तो चाहे वो ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, या फिर उनके मकबरे हो, वो आज भी अमर हैं और पूरी जिंदगी अमर रहेंगे। गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इतना ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। और ये पूरा मकबरा मार्बल से बना हुआ है। आप इसकी बनावट को देख सकते हैं, एक एक बनावट बिल्कुल अच्छे से इसको तराशा गया है। आप लोग इसके गुंबद को देख सकते हैं, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और अब मैं आप मिर्ज़ा अजीज कोका की कब्र भी दिखाता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये उनके साथी वगैरह की कब्रें हैं। और उसके बाद ये जो आप कब्र देख रहे हैं, अजीज कोका की कब्र है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इस कब्र के चारों तरफ उर्दू से लिखावट की गई है दोस्तों। आई होप दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।